ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भासान आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से है, जहां रीवा में बीते दिना सिविल लाइन थाना के थाना प्रभारी हितेन्द्र शर्मा के साथ जो है एक गोलीकांड का अंजाम दिल गया। जौने के माँ उपनिरीक्षक बी आर सिंह के द्वारा जो है तीन गोली हितेन्द्र शर्मा का मारी गई रही। लेकिन हितेन्द्र शर्मा के जो है 29 जुलाई का रात के 9:30 बजे के एक वीडियो जारी किया है, जौने माँ ऊ अच्छा खासा बोलत चालत दिखाने लगे। उनके द्वारा यह कहा गया कि सुबह सांस ले मत हो, बहुत दिक्कत रही, लेकिन अब जो है बिल्कुल बेहतर महसूस कर रहे हैं। कहा थे ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और यह खबर से जुड़ी एक अहम खबर ही जो पड़ताल के बाद सामने आई है। थाना प्रभारी कि ये गोलीकांड का जो उपनिरीक्षक बी आर सिंह अंजाम दे रहा, वह बी आर सिंह का अपना पंचक बताया दी कि 24 साल की नौकरी में 69 ठे तक सजा मिली रही, 77 इनाम मिले रहे और 2 पिस्टल जो इनके लगे से बरामद भई। वह कहो न कहो पूरे पुलिस अमला का जो है पहेली बनी है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल पघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी खबर के, जहां पर मुझे बताया दी कि रीवा में टीआई का गोली मारे वाले सब इंस्पेक्टर के सर्विस रिकॉर्ड जो है अनूठा है। वह काम में इतना गैर जिम्मेदार रहा हुआ व्यक्ति की 24 साल की नौकरी में ओका 69 विभागीय सजा मिल चुकी है। यह वजह से वह व्यक्ति के नौकरी सब इंस्पेक्टर से शुरू है और यहीं पर खत्म है। मजेदार बात यह है कि 77 अच्छे काम के इनाम वह व्यक्ति का मिल चुका है। यह नहीं, उसके पास 2 सरकारी रिवॉल्वर रहे या पुलिस जो है पुलिस या गुत्थी का सुलझावे में लगी है कि वह व्यक्ति के पास 2 सरकारी रिवॉल्वर कहां से आई। अपना मुझे बताया दी गुरुवार का रीवा सिविल लाइन थाना के टीआई हितेन्द्र शर्मा पर वह थाना के एसआई ब्रजराज सिंह के द्वारा गोली चलाए दी गए। गोली शर्मा के कंधा मलाक भोपाल से पहुंची डॉक्टर की टीम के द्वारा सर्जरी करके उनकर जान बचाई गई। एक है सिंह का गिरफ्तार करके बर्खास्त कर दिएगा। रीवा क्षेत्र के पुलिस उप निरीक्षक के द्वारा बर्खास्तगी के आदेश पुलिस अधीक्षक और एडिशनल SP के जांच प्रतिवेदन के आधार पर देगा। यह घटना में जांच में कई एक ऐसे तथ्य आए हैं जो उन्हें पता चला था कि सब इंस्पेक्टर BR सिंह के द्वारा जान से मारे के नियति से TI पर हमला किया गया रहा। पुलिस के द्वारा आरोपी पर हत्या के कोशिश के केस दर्ज किया गया है। उनके अस्पताल में भर्ती TI हितेन्द्र शर्मा का शुक्रवार दोपहर 2 बजे होश आया, तो उनका जो है विश्वविद्यालय थाना प्रभारी विद्या वारिधि के द्वारा बातों किए गए। अब उनकर हालत खतरे के बाहर है। अपना बचक बताया दी कि 29 जुलाई दिन शनिवार का रात 9:30 बजे के एक वीडियो उनकर जारी भा, जौने माँ वो अपने आप का बेहतर स्थिति में बताए रहे हैं। उनके द्वारा यह कहा गया कि कुछ देर जो है सुबह सुबह सांस लेने में दिक्कत जरूर रही, लेकिन अब जो है बेहद बेहतर महसूस कर रहे हैं। अपना बचक बताया दी कि यह घटना के बाद आरोपी SI के सर्विस प्रोफाइल का खगाला गा तो चौंकावे वाले तथ्य सामने आए। घटना से जो है TI के चेंबर में बंद आरोपी का काबू मकई के बाहर निकाले खातिर पुलिस का रीवा कोतवाली के रिटायर्ड TI आदित्य प्रताप सिंह AP सिंह के मदद लेकर पड़ी। पुलिस महकमा के लोगन के द्वारा अधिकारी का बतावा गया कि AP सिंह के बाद BR सिंह जो है मान ले के बाद SP के द्वारा उनका बुलावा गया। अपना बच्चे का बताई थे कि चेंबर में खुद का बंद करे वाले आरोपी SI BR सिंह का रिटायर्ड TI SP सिंह के द्वारा बाहर निकालना खितिर जो है कैसा तैयार किएगा। AP सिंह के द्वारा बतावा गया कि हम जो है पहले
टीआई चेंबर की खिड़की के पास गए, वो कहन का हुई गया बीआर सिंह, का बात थी, बाहर आबा, ए पर जवाब नहीं मिला। फिर जो है उनके द्वारा कहा गया खिड़की के पास आबा, आपन पिस्टल खिड़की पर रख दे, और जो हम जो है अंदर कह के झांकिन था टीआई के बगल वाली कुर्सी पर बैठ के कुछ लिखर रहे। हमा बात सुन के बीआर सिंह के द्वारा कहा गया कि हमने पहले एसपी और आईजी के नाम आवेदन लिख रहे हैं कि हमका काहे लाइन भेजेगा। उनके द्वारा कहा गया, मतलब एपी सिंह के द्वारा कहा गया, ठीक है आवेदन आराम से लिख ले। थोड़ी देर बाद जो है एपी सिंह के द्वारा कहा गया, अब तक लिख चुके हो बे, खिड़की खोला। एक बाद बीआर सिंह के द्वारा खिड़की खोली गई। एपी सिंह के द्वारा कहा गया कि जो है एक पिस्टल जो है खिड़की में रख दे, और फिर वो कहीं कि दूसरे का जमा कह दे, उनके द्वारा दूसरों जमा कह दिए गए। फिर उनके द्वारा 17 कारतूस जमा करे खातिर कहा गया। यह बीच जो है और जो साथ में अधिकारी आए रहे, वो अपन पक्ष जो है रखत रहे, लाइन अटैच करे के लेके उनके अंदर काफ़ी नाराजगी रही। हालांकि एपी सिंह के बात मानत की उनके द्वारा कारतूसों खिड़की पर रख दिए गए। उनके द्वारा विभाग से जुड़ी शिकायत का लेके कई एक बात वरिष्ठ अधिकारियों से कही गए, अंततः बाहर निकल आए और बाहर औतय कस्टडी में लाई ली गई। अपना बच्चे को बताया दी कि प्राथमिक जांच प्रतिवेदन में पावा गया कि 20 जुलाई का एसपी के मौखिक आदेश पर सब इंस्पेक्टर बीआर सिंह के जो है पुलिस लाइन खेती रवानगी रोजनामचा में दर्ज किए गए। बीआर सिंह के द्वारा यह कार्यवाही का प्रतिष्ठा के प्रश्न बनाए के लंबित अपराधन के डायरी और जांच आवेदन पत्रन के फाइल थाना में जमा नहीं किए गए और ना रवानगी लीन गए। सिविल लाइन थाना में अपराध क्रमांक 256/23, धारा 376 भारतीय दंड विधान 5(6) पाक्सो एक्ट के 90 दिन बाद जो है केस डायरी थाना मान नहीं जमा किए गए। एकल के 26 जुलाई का रोजनामचा मां रिपोर्ट दर्ज कराई गई रही। यह बात से नाराज होकर दोपहर 3 बजे बीआर सिंह थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा के चैम्बर में घुस गए। वहां सर्विस रिवाल्वर 9mm से जान मारे के नियत से थाना प्रभारी पर गोली चलाई दी, जो कंधा मला गो घटना में हितेंद्र नाथ शर्मा बुरी तरह जख्मी हो गए। अपना प्रचक बताया दी टीआई के चैम्बर से फायरिंग के आवाज सुन के थाना में मौजूद एएसआई कौशलेंद्र प्रसाद शुक्ला और संतरी आरक्षक दिलीप तिवारी भागत किन पहुंचे। अंदर के नजारा देख के सहम गए। दुनहू के द्वारा बयान में कहा गया कि एसआई बीआर सिंह दुनहू हाथ में 9mm पिस्टल लाए टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा के सिर पर निशाना लगाए खड़े रहे। हितेंद्र शर्मा के सीने के बाईं ओर से खून बाहर रहा। अंदर जाए पर बीआर सिंह के ध्यान बढ़ते कौशलेंद्र प्रसाद शुक्ला के द्वारा बीआर सिंह का धक्का दिया गया। जैसे बीआर सिंह लड़खड़ाए गिरे, वैसे संतरी आरक्षक दिलीप तिवारी टीआई का बाहर लेके आए और आनंद फानन मां हितेंद्र शर्मा के का थाना के पास स्थित निजी अस्पताल में भर्ती करा बगा। अपना बचक बताया दी डीआईजी मिथिलेश शुक्ला कहब है कि बीआर सिंह के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज अनुशासनहीनता और ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने का आधार बना बगा है। बीआर सिंह के सर्विस बुक के जांच में पावा गया कि 5 मई 1999 का विभाग में एसआई पद में पदस्थ भे, 24 साल के से ज़्यादा के सर्विस में कई एक बे लापरवाही के 69 छोट सजा दी जा चुकी है। ओके बाद उनके बर्ताव में सुधार नहीं आवा। उस साल 2007, साल 2010, 14 और 20, 21 के विभागीय जांच में 5 बड़ी सजा मिल चुकी है। यह प्रकार उपनिरीक्षक के सर्विस रिकॉर्ड अत्यधिक निम्न स्तर के हैं। अपना प्रचक बताया दी डीआईजी के द्वारा बताबागा कि बीआर सिंह का ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरते पर पेंडिंग मामलन के समय पर निपटारा न करे पर पुलिस मैनुअल के खिलाफ अनुशासनहीनता बरतब सीनियर्स के आदेश का अनदेखी कह के मनमानी करे मामले पर 69 बार दंडित किन गा, जबकि कई एक रूटीन मामला के खुलासा करब आरोपी की गिरफ्तारी करे जैसा मामले में त्वरित कार्यवाही खातिर 77 बे रिवार्ड मतलब अवार्ड दिन गा। बीआर सिंह के निशाना काफ़ी अच्छा रहा, ऐसे कई एक बे फायरिंग में बेहतर प्रदर्शन करे पर पुरस्कृत किन जा चुका है। अपना पचक बताया दी कि यह आए वह आरोपी बीआर सिंह के काला चिट्ठा
जौने पर 69 ठे सजा के जो है जिक्र है और 77 ठे इनाम के जिक्र है। सजा और इनाम दोनों बी आर सिंह के खाता में आए। कहा थे ना कि क्रोध, शायद बी आर सिंह अपने क्रोध में काबू कर लिए होते तो आज यह दिन देखे करना पड़ता। अपनों प्रचंड से निवेदन, यदि गुस्सा ज्यादा आवत हुई तो उका नियंत्रित जरूर रख, अन्यथा जीवन भर अपना के साथ अपना के परिवार तक यह क्रोध के परिणाम भुगते का तैयार हो जाए। जो बात बातचीत से सुलझाई जा सकती थी ओ मां इतना अत्यधिक क्रोधित हो और यह में कदम उठा ले कहो न कहो जानलेवा होगा। हालांकि यह खबर मां और बी आर सिंह का लेके अपना का सोची थे का यह कदम जो बी आर सिंह के द्वारा उठावागा उचित रहा या नहीं रहा, यह मामले में अपन राय अवश्य दे। तापन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। इनकी गलतियों के ऊपर इनके अधिकारियों द्वारा दंडित किया गया है, 69 बार इन्हें दंडित किया गया। उनमें एक अधिकारी के पास दो रिवाल्वर कैसे हैं उसके लिए पृथक से जांच कर। आई एम फीलिंग बेटर टुडे। आज फर्स्ट हाफ की तुलना में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुबह टाइम सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, बट इस टाइम अभी कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब इन्हें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004167 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से। प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग।